किसने रखी है वोटर की नब्ज पर सही उंगली और कौन समझ रहा है कि क्या चाहता है वोटर। सैयद जफर इस्लाम सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। सुजाता मंडल नेता टीएमसी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। शुद्धो बैनर्जी प्रवक्ता बंगाल कांग्रेस इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर हदर जैदी सीपीआई के नेता हमारे साथ शामिल हैं। कुछ ही देर में संगीत रागी आपको नजर आएंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले मैं इसको समझना चाहूंगा आपसे सैयद जफर इस्लाम, उज्ज्वला योजना की बहुत बड़ी भूमिका मानी गई भारतीय जनता पार्टी की कई जीतों में और यहां सिलेंडर को ही आज सामने रख दिया गया, उल्टा तो नहीं पड़ेगा? देखिए, वहां की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम कल्याणकारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री की है वो घर घर तक पहुंच रही है, गरीबों के घर तक पहुंच रही है। ममता बनर्जी नारा दिया है उन्होंने पहले भी, लेकिन कभी किसी के सेवा नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी जो है सेवा करने में बिलीव करती है, इसलिए लोगों को अच्छे से मालूम है कि हमने जो वेलफेयर स्कीम चलाई उसके घर घर तक लोगों तक जो है वो पहुंचा है। कई ऐसी स्कीम है जैसे आयुष्मान योजना स्कीम, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करने दिया। जैसे किसान की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, उसको इन्होंने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए नहीं किया, उन्हें मालूम है कि इन सब स्कीम के बाद उनको इम्प्लीमेंट करती तो और भी उनकी हालत खस्ता हो जाती, वैसे ही खस्ता है। लोगों का कॉन्फिडेंस उनमें बिल्कुल जीरो है। ये सारे जो स्टंट कर रहे हैं उनको बैकफायर उन्हीं को करेगा, इसलिए कि वहाँ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ की जनता समझ चुकी है कि ये वो सरकार है जो लोगों के लिए नहीं बल्कि गुंडों की सरकार है। ऐसे लोगों की सरकार है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर लोगों की हत्या भी कर देते हैं और उन पर कुछ आँच नहीं आती है। वो सरकार है जो गरीबों के लिए चिंता करने के बजाय वह जो बहुत बड़े बड़े लोगों की वहाँ चिंता करती है, वो जहाँ कट मिलता है वहाँ उसकी चिंता करती है, जहाँ कमीशन मिलता है उसकी चिंता करती है। इसलिए हमारा जो हमारी लड़ाई अब टीएमसी से है ही नहीं, हमारा जो हमारे वहाँ की जनता का जो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस है, कोई लड़ाई नहीं। हम 200 सीटों से ज़्यादा जीतेंगे और कम्फर्टेबली जीतेंगे और वहाँ की जनता की सेवा करने का हमें भरपूर मौका मिलेगा और उनके लिए हमारी पार्टी समर्पित है और समर्पित होकर उनकी सेवा करेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।